तो गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में BGDG 172 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता होगा कि आप सभी का एग्जाम जून 2024 में होने जा रहा है। बस एग्जाम थोड़े दिन में ही रह गए हैं और आपका एग्जाम भी आप सबको पता होगा 7 जून से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज हम लोग BGDG 172 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। मैंने इसकी क्लासेस भी पढ़ा रखी है और आपको क्लास भी कैसे मिलेगी मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। जैसे आप सबको पता होगा कि यह हमारा चैनल है, आपका आप सबका चैनल है, तो यहाँ पर अगर आप लोग आओगे ना, जैसे आप चैनल पर आ गए तो चैनल को भाई सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद अगर बात करूं ना तो यहाँ पर एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे होम है, वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव है, प्लेलिस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है। जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे ना वैसे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे देखिएगा BGDG 172 मैंने पूरी किताब बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। ये अगर ये 3 घंटे का वीडियो है, अगर आप लोग 3 घंटे का वीडियो देख लेते हो तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपका पेपर 100% पास हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैंने सारा पढ़ा रखा, पूरी किताब पढ़ा रखी है, बहुत इजी और आसान भाषा में पढ़ा रखी है और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा और नीचे भी लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना और इस वीडियो को जाकर के जरूर देख लेना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं इन सभी क्वेश्चनों को अगर आप लोग पढ़ लोगे ना तो आपका एग्जाम जरूर पास हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। BGDG 172 जेंडर संवेदीकरण समाज और संस्कृति, इस सब्जेक्ट का नाम रहेगा। अगर बात करूं आपका जो एग्जाम है BGDG 172 इसका 100 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा मेरे, ये 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें से पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए, पास होने के लिए 35 यानी 35 नंबर चाहिए। और ये 3 घंटे का एग्जाम होगा। कितने घंटे का एग्जाम है, ये 3 घंटे का एग्जाम आपका रहने वाला है। यहाँ नोट्स में देखिए क्या है, नोट्स में क्या लिखा है, सभी प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक खंड के निर्देशानुसार देने। देखो एग्जाम देते समय ना जो नोट्स लिखा रहता है ना, इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या लिख रखा है, देखो खंड आ में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लगभग 500 शब्दों में देने हैं, प्रत्येक प्रश्न का 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और 15 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 3.5 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान सुनिएगा। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या देखिएगा, पितृसत्ता की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, ब्राह्मणवादी पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सारा पढ़ा रखा है, वो वीडियो जाके देख लेना। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, पुरुषत्व के विविध रूपों की चर्चा उचित उदाहरण देते हुए कीजिए, ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मीडिया नारीत्व एवं पुरुषत्व की अवधारणा को प्रलेपित करता है, अपना उत्तर उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, पारिवारिक संस्थानों की प्रकृति एवं प्रकार का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 15 नंबर का, जिसमें से आपको कितने करने, 4 करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, पार संस्कृति संदर्भ में पितृसत्ता पूंजीवाद और मातृपरक शरीर के संबंधों की चर्चा कीजिए, 15 नंबर का हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिएगा, कामकाज की परिभाषा दीजिए, कामकाज क्या, तो भैया वर्क वर्क क्या है, कामकाज पर आधारित पारंपरिक और समकालीन वाद विवादों की चर्चा कीजिए, ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, प्रजनन अधिकार एवं प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, ये सब सारा पढ़ा रखा है, उस वीडियो को जाकर के देख लेना, उससे आपका एग्जाम 100% पास हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन रहेगा कि भाई प्रजनन अधिकार क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, अक्षमता क्या है, अक्षमता एक प्रकार से जो लोग विकलांग होते हैं उनको, या जैसे हैंडीकैप उनको हम लोग बोलते हैं, दिव्यांग आजकल बोला जाता है, उसी के अक्षमता है, अक्षमता के प्रति सामाजिक रवैया क्या होता है चर्चा की, ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं 15-15 नंबर के, जिसमें से आपको 4 करना है और 15 नंबर के लिए 3.5-4 पेज लिखना है इतना, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, खंडवा क्या है, क्या लिखा है, खंडवा देखिएगा नोट में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 300 शब्दों में लिखना है, जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 2 पेज लिखना, कितने पेज लिखना है, 2 पेज लिखना है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा,
प्रतिनिधित्व पर एक नोट लिखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। किसने करना है, इसमें विचार करना है। दसवां क्वेश्चन देखिएगा, उपयुक्त कार्य क्या है बताइए, 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन, दहेज संबंधी मौत पर एक नोट है भाई, जो दहेज को लेकर के परिवार में हत्याएं होती हैं, जो लड़कियों को मार देते हैं, बहुओं को मार देते हैं, उसी को हम दहेज संबंधी मौत कहते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है। बारहवां क्वेश्चन देखिएगा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मिथकों का वर्णन कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तेरहवां क्वेश्चन देखिएगा, शब्दावली में स्त्री और पुरुष के मद्देनजर क्या अंतर नजर आता है स्पष्ट कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। चौदहवां क्वेश्चन देखिए क्या है, उदारवादी नारीवाद पर एक नोट लिखिए, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर आप देखें, इसमें से चार करना है, जो कि आपको यहाँ पर छह दे रखे हैं, छह में से आपको चार करने है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ करके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन इग्नू में ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं भाई मेरे, रिपीट होते रहते हैं, इस मेरी बात को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर देख लेते। देखो क्वेश्चन, ये जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, कब का क्वेश्चन पेपर है ये, जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, सारी बातें वैसी लिख रखी हैं। यहाँ पर एक चीज है, आठ नौ क्वेश्चन है, जिसमें से आपको पांच क्वेश्चन करना है, और जब 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको चार से पांच पेज लिखना, कितना लिखना है, चार से पांच। अब देखो क्वेश्चन क्या दिखेगा, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पुरुषत्व की परिभाषा दीजिए, पुरुषत्व के विविध रूपों की चर्चा कीजिए, भाई पुरुषत्व क्या होता है उसकी परिभाषा बतानी है, और पुरुषत्व के कौन कौन से रूप हैं उन रूपों के बारे में बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, श्रम बल सहभागिता में जेंडर अंतराल की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए, अपने तर्कों की पुष्टि के कोई दो उदाहरण दीजिए, अपने तर्क प्रस्तुत करने के दो उदाहरण बताने, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा देखिएगा क्या है, भाषा के इस्तेमाल में स्त्री पुरुष में होने वाले फर्क का वर्णन कीजिए, अपने तर्कों की पुष्टि उचित उदाहरण देते हुए करना है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, यौन उत्पीड़न से आप क्या समझते भैया, यौन उत्पीड़न क्या होता बताना है, इसकी चर्चा करें, केस अध्ययन की सहायता से बताना, 20 नंबर का क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय मीडिया में जेंडर की भूमिका की जांच कीजिए, या जो हमारी भारतीय मीडिया उसमें जेंडर की भूमिका क्या, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृति एवं समाज के संबंध में जेंडर रचना का वर्णन उचित उदाहरण देते हुए कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, लिंग एवं जेंडर की श्रेणी पर चर्चा कीजिए, यानी लिंग क्या है और जेंडर क्या है इसकी चर्चा करनी है, वास्तविक जीवन अनुभव में दो उदाहरण दीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर एट क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है, क्या करना है, चारों में से 10-10 नंबर का रहेगा। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या, देखो पहला क्या है, लोक एवं निजी द्विविभाजन क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। खा क्या है, प्रजनन संबंधी अधिकार, 10 नंबर का हो जाएगा। गा क्या है, ग्लास सीलिंग, 10 नंबर का हो जाएगा। घा क्या है, महिलाओं के साथ भेदभाव, 10 नंबर का हो जाएगा। गूढ़ पठन, 10 नंबर का, यानी अगर आप देखें इन पांचों में से, पांच दे रखे हैं, इन पांचों में से कोई चार पर लिखना है, ठीक है, और पांच पांच नंबर का रहेगा, भाई 10 का नहीं बल्कि ये पांच पांच नंबर के, ठीक है, चार लिखने हैं, ठीक है, और पांच नंबर के लिए एक पेज लिखना, कितना, एक पेज लिखना है। ये पांच दे रखे हैं, उनमें चार पर टिप्पणी लिखनी रहेगी, और इस प्रकार से आठ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए, जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि इग्नू वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं भाई मेरे, ठीक है, क्या है, इग्नू में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, इस मेरी बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर, मैंने दो क्वेश्चन पेपर बता दिए, चलिए हम लोग तीसरा भी क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन पेपर कब का है, ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर, कब का है भाई मेरे, ये दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्या, यहाँ पर पांच क्वेश्चन करने हैं, सभी क्वेश्चन जो है वो समान अंक है, यानी 20-20 नंबर के हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सेम वही उसी टाइप के क्वेश्चन आते, देखो पुरुषत्व लैंगिकता एवं हिंसा की अंतर कड़ियों की चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, परिवार के सिद्धांत पर टिकी नारीवादी समीक्षाओं की चर्चा कीजिए, अपने तर्कों की पुष्टि उचित उदाहरण देते हुए कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य के सूचक कौन से हैं, भारत में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, अक्षमता, देखो क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, वही मैं बोलता हूँ कि इग्नू के पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, क्या है, अक्षमता यानी विकलांगता क्या है, अक्षमता संबंधी जेंडर मुद्दों का वर्णन कीजिए, उदाहरण दीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया।
पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, जेंडर के परिप्रेक्ष्य में मातृत्व एवं पितृत्व की अधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं के साथ हिंसा की परिभाषा दीजिए, भारत में इसके विविध रूपों की चर्चा कीजिए, 20 नंबर का क्वेश्चन हो गया। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि साहित्यिक कार्यों में महिलाओं द्वारा प्रयुक्त भाषा पुरुष की भाषा से भिन्न होती है? भैया अगर आप देखेंगे कि जब कोई भी जो साहित्यिक कार्य होता है उसमें जो महिला की भाषा है, जो महिलाओं की भाषा है या जो पुरुषों की भाषा है, क्या वह एक प्रकार से अलग अलग होती है? तो सबको पता भाई महिलाओं की भाषा अलग होती, पुरुष की भाषा बिल्कुल अलग होती, 20 नंबर का क्वेश्चन है। और आठवां देखिए क्या है, निम्नलिखित पर लगभग चार पर क्या करना, आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना, चार पर लिखना, जैसे क्या है पांच पांच नंबर करेगा, जैसे पहला क्या नारीवाद, पांच नंबर का हो गया। खा क्या है, सशक्तिकरण, पांच नंबर का हो जाएगा। गा क्या है, जेंडर परक भूमिका, ये भी पांच नंबर का हो जाएगा। चौथा क्या, घा क्या है, नारित्व, ये भी पांच नंबर का हो जाएगा। पांचवा क्या, जेंडर एवं लिंग क्या है, पांच नंबर का। तो अगर आप देखें जो आठवां क्वेश्चन है इसमें से आपको चार करना है पांच पांच नंबर के, और इसके लिए चार लिख देना। आठ क्वेश्चन देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन पेपर कभी कभी हल्का इग्नू वाले बदल देते हैं, फॉर्मेट थोड़ा रहता है, लेकिन क्वेश्चन लगभग वही आते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जून 2024 में आप सभी का जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, इतना ही पढ़ लेना। और जो मैंने वीडियो बताया है उस वीडियो को भी जाकर के चैनल पर देख लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों का पेपर ना बहुत अच्छा जाएगा और पेपर आपका आराम से पास हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है। किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक उस वीडियो को देख अभी मैंने पढ़ाया था, काफी अच्छे मार्क्स आते हैं अगर आप, क्योंकि मैंने बहुत इजी वे में समझा रखा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पेपर मैं आप सबको दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, कब का क्वेश्चन पेपर है, जून 2022 का क्वेश्चन पेपर, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाना। देखिएगा यहाँ भाग का में देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए, 15-15 नंबर के, जैसे पहला था वैसे ही भी है। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा, कार के प्रारंभिक पारंपरिक संवाद का वर्णन उचित उदाहरण देते हुए कीजिए, यानी कार के प्रारंभिक या परंपरा संवाद बताना है, 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, संस्था के रूप में परिवार के प्रति नारीवादी दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भाई एक संस्था के रूप में जो परिवार के प्रति नारीवादी जो दृष्टिकोण है उसके बारे में आपको क्या करना बताना है, अरे 15 नंबर का क्वेश्चन दूसरा भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, लैंगिकता क्या है, क्या आप इसे सामाजिक रचना कहते हैं, लैंगिकता क्या प्रकार से मानते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया। लैंगिकता सब पढ़ा रखा है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, जेंडर समाजीकरण की चर्चा उचित उदाहरणों की सहायता से कीजिए, जेंडर समाजीकरण क्या है इसको आपको बताना है, उदाहरण देते हुए करना, ठीक है, उदाहरण की सहायता से बताना है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, पुरुषत्व के विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए, उचित उदाहरण, भाई पुरुषत्व क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, पुरुषत्व के जो अलग अलग रूप हैं उन रूपों के बारे में आपको यहाँ क्या करना, चर्चा करनी है, और ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, पितृतंत्र पूंजीवाद एवं मातृदेह के बीच क्या संबंध है, विस्तार से लिखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। भाई पितृतंत्र क्या है, पूंजीवाद क्या, और मातृदेह क्या बताना है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, कार में सामंतीकरण और अनौपचारिकता क्या है, भाई जो काम होता कार में सामंतीकरण क्या है ये बताना है, और औपचारिकता क्या है, 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति क्या है, प्रजनन स्वास्थ्य बाल नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, और जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इसी में से आज इस बार भी आप सभी का पेपर आएगा ही आएगा, ठीक है। आठ क्वेश्चन हो गए 15-15 नंबर के, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्या है, भाग खा में क्या देता है, देखो नोट में क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर दीजिए, 300 शब्दों में लिखना, जो कि 10-10 नंबर का है। मैंने पहले बताया 15 नंबर के लिए चार पेज, 10 नंबर के लिए दो पेज, इतना ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि पेपर मात्र आपका 3 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, अक्षमता के बारे में सामाजिक अभिवृत्तियों एवं रूढ़िबद्ध रचनाओं की चर्चा कीजिए, कितने नंबर का हो गया है आपका, 10 नंबर का। दसवां देखिए क्या है, जेंडर आधारित हिंसा क्या वर्णन कीजिए, भैया जेंडर आधारित हिंसा क्या थी आपको बताना है, 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, क्या आपकी राय में भारत में महिलाओं का वास्तुकरण होता है, वर्णन कीजिए, 10 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं के कामकाज के संदर्भ में दोहरे बोझ की परिभाषा दीजिए, 10 नंबर का।
भाई महिलाओं को दोहरा कामकाज हो रहा ना, कि महिला भैया घर पर भी काम करती है, अगर कोई महिला वर्किंग है, अगर वो नौकरी चाकरी करती है तो उसको डबल काम पड़ जाता ना। तेरहवां क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का वर्णन कीजिए। भाई जो कार्यस्थल होता है यानी जो हमारा वर्क प्लेस होता है उस पर किस प्रकार से यौन उत्पीड़न हो रहा है, बताना। 10 नंबर का हो गया। और 14वां क्वेश्चन देखिएगा, परिवार के संबंध में प्रकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, ये हम लोगों को बताना, जो कि आपका 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, क्या होता है, इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर आता है और इसको आपको करके जाना ही होगा। ठीक है, मेरी बात को आपको क्या रखना है, याद रखना जो जो चीजें मैंने बताई है। ठीक है, ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ ही सकता है, और जो मैंने आपको वीडियो बताया देखने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप लोग ना डायरेक्ट चैनल पर आ जाना, ठीक है, इस चैनल पर आना और इसका वीडियो जरूर देख लो जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, और आपका 100% एग्जाम क्लियर ही हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, कोशिश करूंगा, नहीं तो आप लोग चैनल पर ही आ जाना। ठीक है, जैसे आप लोग चैनल पर आओगे ना, चैनल पर आने के बाद ही आपको सीधा जैसे होम लिखा है, वीडियो लिखा है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना, तो प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी मैराथन क्लास ऑल सब्जेक्ट, क्या लिखा है, मैराथन क्लास ऑल सब्जेक्ट, इसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बीजीडीजी 172 की पूरी क्लास मैंने पढ़ा रखी है, और इसको देख लो, इससे आपका एग्जाम आसानी से हो जाएगा और आपको एग्जाम में किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, पेपर बहुत बढ़िया निकल जाएगा, और या इसी को जरूर देख लेना। और भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, आप चाहे किसी भी, आपका कोई भी ऑनर्स डिग्री है हो, चाहे आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सभी सब्जेक्ट की जो क्लास है आपको हमारे चैनल पर मिलती ही रहेगी, तो इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्लास आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, सारे सभी सब्जेक्ट की क्लास आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।